हेलो दोस्तों, मैं संतोष और स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल ब्लॉगर वीडियो में। आज खड़े हम पीपीएसएस स्कूल, जो हमारी कर्मस्थली है, और पीपीएसएस में आज होने वाला है कुछ अलग जो आज तक नहीं हुआ है। स्कूल में होने वाला है समर कैंप। पीपीएसएस को आप जानते होंगे, एक ब्रांड है जहाँ से हज़ारों बच्चे निकले हैं और अपने जीवन को सफल बनाया है, शिक्षा लेकर, संस्कार लेकर। तो मिलते हैं स्कूल के प्रिंसिपल सर से, जानते हैं समर कैंप के बारे में, क्या विचार है उनकी, क्या राय है और कैसे इसका आयोजन किया जाए। कैंप के बारे में कैसे हो रहा है इसका आयोजन और क्या क्या चीज़ें एक्टिविटी होगी इसके अंदर? मैं ये है, बच्चों में कुछ नयापन, बच्चों की प्रतिभाओं को तराशने के लिए एक अभिनव प्रयास किया गया है। जी सर। जिसके अंदर बच्चे इसमें अपना एक जो पढ़ाई का तनाव है वो कम कर पाएंगे, जो प्रतिभाएं हैं, जिस जिस क्षेत्र में प्रतिभाएं हैं वो उस क्षेत्र में प्रतिभाएं निखर सकती हैं। शॉर्ट में इतनी सी बात ही कहूँगा कि सर ने मुझे आग्रह किया था कि हम फर्स्ट टाइम समर कैंप लगाने जा रहे हैं और जो आपके ध्यान में जो फैकल्टी हो वो आप लाइएगा। तो मेरा ऐसा मानना है कि बीकानेर के अंदर जो सबसे अभी टॉप चल रहे हैं, जो सबसे बढ़िया कर रहे हैं, जिनका प्रदर्शन बहुत अच्छा है, उन सबको मैं यहाँ आप लोगों की सेवा में लेकर आया हूँ। समर कैंप जो यहाँ हम जो आज से स्टार्ट कर रहे हैं वो गर्मियों की छुट्टियों के साथ साथ आपका सर्वांगीण विकास होने जा रहा है, एक एक्स्ट्रा स्किल आपके अंदर डेवलप हो रही है। तो जितने भी जो हमारे पास टीचर्स आए हुए हैं उनका पूरा पूरा लाभ आपको लेना है। नदीम सर है, आप नदीम सर बोल सकते हैं, ठीक है? शॉर्ट कर देता हूँ, बड़े बड़े नाम होते हैं ना, कई बार याद नहीं रहते, तो आप नदीम सर याद रहेगा। मैं आपको यहाँ पे सेल्फ डिफेंस, हाउ टू डिफेंड योर सेल्फ, यानी आप खुद का बचाव कैसे करें, जैसा कि मैंने अभी बताया, फिजिकली फिटनेस की टिप्स दूंगा मैं आपको, ट्रेनिंग दूंगा और सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दूंगा। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग ये कोर्स अच्छे से करेंगे, पूरे उत्साह के साथ करेंगे। मेरा नाम प्रदीप है और मैं डांस कोरियोग्राफर हूँ और इस फील्ड में मुझे 12 साल हो चुके हैं। अगर डांस कोई करना चाहता है या इंटरेस्टेड है तो वही हाथ खड़े करे और फटाफट करे। बाकी जो भी बातें हैं मैं आपको क्लास में। माई सेल्फ अमित त्रिपाठी, आई एम ए आर्टिस्ट। मैं आपको आर्ट एंड क्राफ्ट एंड ड्राइंग सिखाऊंगा और मैं आप सबके बीच में यहाँ पे हिना आर्टिस्ट के तौर पे आपकी कुछ क्लास लेंगी, कुछ सिखाने की कोशिश करूंगी और मैं आप सबसे यही आशा करूंगी कि आप सब अपना अच्छा से अच्छा प्रेजेंटेशन मेरे को दे पाएंगे। और इन 7 दिनों में मैं यही चाहती हूँ कि मैं आपको भरपूर प्यार दूँ और बच्चों से मेरे को भरपूर प्यार मिलेगा भी, ये मैं जरूर आशा करती हूँ। समर कैंप की शुरुआत में सबसे पहले मार्शल आर्ट सिखाने के लिए बच्चों को वार्म अप किया गया ताकि उनकी जो मसल्स है उनमें खिंचाव नहीं आए। खोलो, 3 स्टेप में हम पंच बनाएंगे, 1 2। अभी अंगूठे को पहली और दूसरी उंगली पे लॉक करना है। थंब इज अ लॉक ऑफ आर्क पंच, आर्क जुकी, ओके? यानी अंगूठा जो है हमारे पंच का ताला है, इसके बगैर हमारा पंच पूरा नहीं हो सकता, ठीक है? अभी टाइट पंच करेंगे, दोनों हाथ इधर लेके आएंगे, सब अपना राइट हैंड इधर वाला हाथ आपको बोलना है हे, एक आवाज निकालनी है, जैसे मैं काउंट बोलूंगा 1, हाथ बाहर निकालोगे बोलोगे हे, क्लियर? आर यू रेडी? आर यू रेडी? 1 2 3 4, पूरा हाथ सामने निकालना, अपने फेस के सामने, मेरी तरफ नहीं, अपने फेस के सामने। 5 जोर से, दूसरा हाथ पीछे रहेगा, ऐसे समझो सामने वाले की नाक पे वार कर रहे हैं। ये जो हमारा पोजीशन है, यहाँ से हमने पाव अटैक निकाला अपोनेंट के नोज पे, जैसे दरवाजा बजाते हैं ना हम, वैसे हमको पाव अटैक बजाना है। अभी नॉर्मल पावर से मैंने मारा ये, ठीक है? किसे हो रहा है? नॉर्मल पावर लगाता हूँ, क्या फील हो रहा है बताओ, लग रही है? ये नॉर्मल पावर है और यही अगर मैं पूरा 100% पावर साथ लगाऊंगा तो गर्दन में झटका आएगा वो अलग, और ये पीछे जाके गिरेंगे वो अलग। इसका एक प्रदर्शन मैंने यहीं से ये टेक्निक अप्लाई करूंगा, ठीक है? क्या हुआ, क्या देखा, कितनी दूर गया वो, कितनी दूर गया?
है ना, जबकि मैंने चूंकि ये स्टूडेंट है पावर का यूज नहीं किया। अगर पावर यूज करूंगा तो इसको इंजरी होगी, क्योंकि नाक पे मैं नहीं करके दिखा सकता था, इसलिए मैंने पीठ पे किया, क्योंकि पीठ हमारा थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होता है नाक से। फर्स्ट पाम हुक सर्कुलर चॉप डबल फुल बैक पंच, पांच हो गई। इसके बाद ये हो गया अभी एल्बो, सिक्स इसको बोलेंगे साइड एल्बो। एल्बो अटैक का रिएक्शन दिखा रहा हूँ, क्लियर? एल्बो अटैक कैसे लगेगा वो दिखा रहा हूँ, सांस भर के सामने तो आता हूँ, क्लियर? अभी तो नहीं, राम देव के लिए एक बार जोर से ताली। ऐसे करते हैं आप, देखो पेपर को यूं लिया, अब फिर पेपर से रखना और इस पेपर को ऐसे ट्रायंगल से इतनी फोल्ड करना, देखो ये नीचे वाला स्पेस है ना, इसके बाद ऐसे करते हैं, ठीक है? पेपर को आपको ट्रायंगल से इतनी फोल्ड करना है, ताकि आपने लेकिन क्या होता है जब अपने मेहंदी का यूज करते हैं तो वो चीजें इतनी इजी नहीं होती है। ये करके दिखाता हूँ, पूरा प्रॉपर नहीं करता है तो कैसे करता है, ये ऐसे करके ऐसे, ये ऐसे करके ऐसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 यस।